दीदी डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम मेरी आवाज सुनो में आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए चुने ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते और ऐसे दुर्गम रास्तों पर चलकर उन्होंने कई सफलता के शिखर छुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान के बीकानेर जिले की डॉक्टर सुषमा बिस्सा जी सुषमा बिस्सा जी से हम रूबरू होंगे आपको भी रूबरू करवाएंगे लेकिन पहले आइए नज़र डालते हैं इनके संघर्ष से शिखर तक की यात्रा पर पर्वतों से प्यार करने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके जीवन का मकसद है पर्वतों के साय में रहना आइए मिलते हैं डॉक्टर सुषमा बिस्सा जी से सुषमा जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सुषमा जी हमने सुना है कि पर्वतों को अपना करियर चुनाना बहुत मुश्किल होता है और खासकर तब जब शादी हो जाए आम तौर पर शादी के बाद महिलाओं के करियर में कहीं ठहराव सा आ जाता है जो आम तौर पर देखा जाता है और आपने तो एक नया पैशन चुन लिया आपकी शादी के बाद तो आपकी जो यात्रा है शिखर तक पहुंचने की वो क्या वाकई में शादी के बाद शुरू हुई है ये सपना बचपन का था आपसे ही जानना हाँ। चाहेंगे ये सपना तो नहीं कह सकते क्योंकि सपना तो मेरा म्यूजिशियन बनने का था और मैंने डॉक्टरेट म्यूज़िक में किया था साथ में कुछ डिप्लोमा किए थे तबला में भूषण किया था डांस में कथक भी में, भी में भी। किया गिटार मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था तो मेरा क्षेत्र एक एकदम अलग, अलग था लेकिन शादी के बाद में क्योंकि मेरे हस्बैंड मगन बिस्सा इंटरनेशनल माउंटेनियर थे और उन्होंने बहुत नाम काम किया था वो रेस्क्यू मैन के नाम से भी जाने जाते थे और उन्होंने 84 एवरेस्ट जब इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत की कोई महिला भी आ, एवरेस्ट की चोटी पे अपना तिरंगा फहराए तो उन्होंने एक ऐसा एक्सपिडिशन किया था कि उसमें कंबाइंड थे आधे लड़के और आधे लड़कियां तो उसमें बचेंद्री पाल जी भी थी और मेरे हस्बैंड भी थे और उस समय में आ, फिर बचेंद्री पाल जी ने उसको एवरेस्ट क्लाइम किया और पहली भारतीय महिला बनी एवरेस्ट चढ़ने वाली तो शादी के बाद में मेरे हस्बैंड के साथ में वहाँ जमशेदपुर चली गई और मैंने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं जो म्यूज़िक लेक्चरर की सर्विस करी थी वो मैंने छोड़ दी मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी शादी के बाद जो होनी चाहिए वो निभाना चाहिए तो मैं वहाँ गई और एक दिन ऐसा हुआ कि जो एडवेंचरस लोग होते हैं उनकी पिकनिक भी उसी टाइप की होती है जी बिल्कुल तो वो तो सब पहाड़ आपका इंतजार कर रहे थे आ, बिल्कुल ये कह सकते हैं तो बचन दे पाल और उनके पूरे डिपार्टमेंट के साथ मेरे हस्बैंड के साथ मैं भी पिकनिक पे गई और एक डलमा करके एक पहाड़ मैंने सुना ये हनीमून पीरियड था आपका हनीमून uh, क्योंकि इन वन वीक शादी के बाद में क्योंकि uh, और छुट्टियां नहीं मिल पाई थी हस्बैंड को तो मेरे लिए तो वही एक हनीमून वाला ही ट्रिप था तो हम लोग सब uh, पिकनिक पे गए और सभी लोगों ने क्योंकि एक छोटी पहाड़ी थी उस पर सब लोग क्लाइंबर्स थे तो सब लोग uh, बोले कि आप यहीं इंतजार करो हम थोड़ा सा एक क्लाइम करके आते हैं तो वो सारा सामान मेरे पास रखा उन्होंने छोटे छोटे जो नेपसेक्स थे रख के और वो सब चढ़ के चले गए मैंने बीस पच्चीस मिनट तक इंतजार किया मैंने कहा अभी तक कोई नीचे नहीं आया है तो मैंने अपनी पॉइंटेड हील उतारी और मेरे नेल्स बढ़े हुए थे एज यूजल होता है तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं और मैंने ट्राई किया और मैं उस पर क्लाइंब करते हुए मैं ऊपर टॉप पे पहुंची उस टॉप पे अकेली? जी वो मतलब छोटी पहाड़ी थी जी, जी। तो बिगनर्स के लिए कह सकते हैं या मतलब वो पिकनिक के रूप में सभी लोग गए थे वहाँ पे पर मुझे तो क्योंकि मैंने कभी की नहीं थी क्लाइंबिंग तो मैं जब जैसे ऊपर पहुंची और जैसे ऊपर कुछ फ्लैट जगह थी वहाँ पे ऑफिस के सारे लोग बैठे हुए थे जैसे मैंने ऊपर गर्दन किया और सब लोगों ने मुझे ऊपर देखते ही तालियाँ बजानी शुरू की और फिर बचन पाल जी ने बोला क्या तुमने पहले भी कुछ क्लाइंबिंग कोर्स शुरू किया मैंने कहा नहीं तो बोले अरे तुम तो करती तो इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकती थी शायद वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल और उसके बाद में मेरे हस्बैंड चाहते थे कि राजस्थान के लिए मैं कुछ करूं क्योंकि वहाँ रह के तो वो ऑल ओवर इंडिया से वहाँ लोग आते थे लेकिन राजस्थान हमारा क्योंकि रूढ़ीवारी माना जाता है तो उनके दिल में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं राजस्थान में आके और कुछ करूँ तो उन्होंने की नौकरी छोड़ी और बीकानेर में सेटल हुए पर वहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मेरा मेरी लाइफ डल हो गई है और म्यूजिक क्योंकि मेरे इन लॉज को पसंद नहीं था क्योंकि जी, जैसा जी। कि पता है कंजर्वेटिव फैमिली थी थोड़ी वो हुँ, हुँ. मेरे हस्बैंड को छोड़ के तो फिर मुझे लगा कि इस तरह से तो बैठना ठीक नहीं है न उनको म्यूजिक पसंद था न मैं मैं क्या करूँ मैं सोच में पड़ गई तो फिर मुझे लगा कि जिस तरह से मुझे आगे आने में कठिनाई हो रही है क्यों ना मैं एडवेंचर फील्ड कोई चुनूँ ताकि उसमें लड़कियों को आगे आने का मौका मिले क्योंकि मैं जब चाहती थी एडवेंचर में जाना तो मुझे भी थोड़ा ये था कि पेरेंट्स बोलते थे भाई इस फील्ड में कोई गया नहीं है तो हस्बैंड इसी लाइन में थे तो फिर मैंने ये फैसला किया और फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मुझे मना भी किया उन्होंने बोला इस एज में जाके जब लोग छोड़ने की सोचते हैं तब तुम करने का सोच रही हो तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद में फिर वहां मैंने से फिर आपकी ये हाँ, पहाड़ों से प्यार करने की जो यात्रा थी उसके बाद में इसके बहुत टफ कोर्सेज होते जी, जी, हैं जो मैंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट एन से मैंने बेसिक कोर्स किया उसमें ए ग्रेड आता तो एडवांस कोर्स हो सकता है तो मैंने वो भी ए ग्रेड के साथ में किया और उसके बाद में फिर मेरे रास्ते अपने आप बनते चले गए और फिर मैंने पैरासेलिंग का कोर्स हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी से किया विशा जी मैं एक बात जानना चाहूंगी हम अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी की भाग से जब थक जाते हैं तब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं संगीत को देखते हैं कि वो हमें कहीं कही कहीं ना संभालेगा आपकी तो जिंदगी तो मतलब तो मुझे याद आता है वकीय टू में हम लोगों ने आईलैंड पी पहला महिला अभियान था बच्चन नेपाल जी के नेतृत्व में तो जब हम वो करने के लिए जा रहे थे तो पहले हमने एवरेस्ट बेस कैंप किया था और उसके बाद में नहीं। नहीं। नेपाल में आइलैंड आईलैंड पी के वो करने जा रहे थे तो उसमें हमें बहुत सारे लोग मिले रास्ते में उन्होंने कुछ विदेशी भी थे उन्होंने बोला अभी वेदर आ, साथ नहीं दे रहा आप नहीं कर पाएंगे आप लौट जाइए लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी आ, दीदी का कहना था कि नहीं अगर हम निकले तो हम पूरी कोशिश करेंगे और जब हम जहां पहुंचते थे यहाँ तक तो हम एवरेस्ट बेस कैंप गए तो हम इतने थके हुए होते थे रोज चलते थे इतना इतने घंटे चलते थे और रात को जब हम जहां जिस होटल में रुकते थे वहां जाते हम लोग गाना बजाना शुरू करते थे और आसपास की जितनी भी कंट्रीज के लोग जो एक्सपीडिशन में होते थे सारे हमारे होटल में आते थे और हम खूब नाच गाना करते थे और सुबह के लिए रिफ्रेश हो जाते थे और वापस थकान उतर जाते थकान उतर जाती थी बहुत ही अहम तो आपने मतलब संगीत में भी शिक्षा ली है और आपने ट्रेनिंग्स ली है पहाड़ों पर चढ़ने की भी अब मैं जानना चाहूंगी कि हमने सुना है डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को अब पैरासिलिंग

ये सेवन कंट्रीज के बॉर्डर पे हम लगभग चालीस दिन तक चले तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक था और उसके बाद में हमने डिजर्ट सफारी किया था कैमल बैग पे इसमें हमने कच्छ के करल से बागा बॉर्डर तक दो हजार किलोमीटर की यात्रा तय की थी वो वो भी चालीस दिन में की थी और उसमें बीएसएफ के साथ में मिलके की थी पाकिस्तान के बॉर्डर बॉर्डर पे चले थे और कैमल बैग पे भी चलना बहुत मुश्किल होता है, है। और मतलब आप ये बैग मजबूत होने चाहिए उसमें बचन दीदी गिर भी गई थी उनको फ्रैक्चर भी हुआ था मतलब ऐसे बहुत से हादसे तो खैर हमारे आना चाहती हूँ की आपसे सुनते हुए ऐसा लग रहा है कितना रोमांचक होगा ये सब पहाड़ों पर जा रहे हैं डेजर्ट सफारी कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में चुनौतियां तो बहुत आई होंगी तो वो जो कठिनाइयां आई, उनसे आपने कैसे पार पाया सेहत है वो भी बिगड़ती है कई बार और बहुत सारे लोग अगर आपके साथ जुड़े हैं तो उनकी सेहत है दूसरा मौसम का असर बहुत ज्यादा होता है पहाड़ों पर बहुत मौसम अलग होता है तो तो इन सारी चुनौतियों को आपने कैसे फेस किया देखिए चुनौतियां तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जब बच्चा बड़ा होकर चलना सीखता है तो वो भी बार बार गिरता है लेकिन फिर भी वो चलना नहीं छोड़ता है साइकिल चलाते हैं तब भी बार बार गिरते हैं कई बार कहते हैं कि अरे पहाड़ों पर जाने से ये दुर्घटना हो जाएगी दुर्घटना तो हर जगह पर हो सकती है घर के बाथरूम में भी हो सकती है तो क्यों नहीं हम उस चुनौती को स्वीकार करके कुछ अच्छा करें और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एडवेंचर को आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आप बहुत सी चुनौतियों का बहुत इजीली उसका आप सामना कर, सामना कर, सामना कर सकते हैं और वही मेरी ज़िंदगी में भी हुआ मैं, मुझे गायनिक प्रॉब्लम था मुझे दस साल तक मैं उस प्रॉब्लम से रही तो कई बार महिलाएं कहती कि आ, अरे हमारे तो एक ऑपरेशन हो गया और राइट ऑफ ओके घर में बैठ जाती हैं मेरे तीन सर्जरी तो दिल्ली में एम्स में हुई लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी मुझे लगा हेल्थ से भी मैंने हार हार नहीं मानी मैंने समाज से भी कोई हार नहीं मानी मैं जब जीप चलाती थी जिस में आज से बत्तीस साल पहले जब जीप चलाती थी तो लोगों को लगता था ये क्या ये है कई लोग खड़े हो जाते थे जीप के आगे आके तो मुझे कहना पड़ता था जीप रो के थोड़ा साइड में हो तो मैं थोड़ा आगे चलाऊँ तो लेकिन वो कहते ना बदलाव रातों रात नहीं होता महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है।, है और मैं जिस फैमिली से थी उसमें तो बहुत मुश्किल था लेकिन फिर मैंने एक बार ये क्वेश्चन मेरी मदर इन लॉ से किया मैंने कहा अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वो आपके बेटे के साथ ही जा रही हूँ या आपके बेटे से रिलेटेड जो एडवेंचर हुई कर रही हूँ तो इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए और वो बात इतनी मतलब काम कर गई कि आज मैं फक्र के साथ कहती हूँ कि जब भी कोई चैनल पे या कहीं भी कोई प्रोग्राम आ रहा होता है तो वही मेरे परिवार के लोग मुझे फोन करके बोलते थे फलाना चैनल आप देखिए उस पर आपका प्रोग्राम आ रहा है तो ये बदलाव जो आया और उसके बाद में हमारे घर की जो लड़कियां थी उनको पढ़ाना शुरू किया आज वो अच्छी अच्छी इंस्पायर कर रही है उनको कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है आप बिल्कुल डॉक्टर सुषमा जी कहते हैं कि पहाड़ हमें बोनेपन का एहसास कराते हैं हम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो झुक कर चढ़ते हैं और जब उतरते हैं तो हम खड़े होकर उतरते हैं तो पहाड़ एक्चुअल में जीना सिखाते हैं हमें कि अगर आपको सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो थोड़ा नरमाई से थोड़ी विनम्रता रखिए और जब आप उतरते हैं तब आपके पास वो सुकून होता है वो संतुष्टि होती है राष्ट्रपति जो हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनसे भी आपकी टीम मिली तो ये जहाँ से शुरू हुआ था कि आपकी जीप के आगे लोग खड़े हो जाते थे आपको रास्ता नहीं मिलता था और आज सीधा आप राष्ट्रपति तक पहुँच रही है ये पल कैसा आ, था देखिए पल मुझे बार बार मिले हैं इसको आप ये कह सकते हैं हमने टू में जब हमने ये आईलैंड पिक किया था तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने हमारा फ्लैग ऑफ किया था और मुझे ये पूछा था विल यू प्ले सॉन्ग इन ऑन द टॉप उन्होंने ये बोला very था very तो जब मैं पीक पे चढ़ी थी वेदर बहुत खराब था बहुत सी कंट्रीज के लोग नहीं चढ़ पाए थे लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हमने वो पीक क्लाइम किया था hmm. जब मैं ऊपर गई तो मुझे राष्ट्रपति जी के वो वर्ड्स याद आ गए और मैंने एकदम से वो पंक्तियां गुनगुनाई आज मैं ऊपर आसमान नीचे yes. लेकिन फिर मैंने तुरंत रियलाइज किया कि हम हमेशा पहाड़ को नमन करते हैं हम इस पर कभी विजय प्राप्त नहीं करते और मैंने फिर झुक के नमन किया क्या हम गुनगुना कर हम आपको सुन सकते हैं आपकी आवाज क्योंकि संगीत में तो आपने शिक्षा ली हुई है कुछ थोड़ा गुनगुना दीजिए इसी लाइन को हाँ, गा देती हूं हाँ, जो भी आप आज मैं ऊपर आसमानी से आज मैं आगे जमाना है पीछे आज मैं ऊपर वेरी गुड वेरी गुड बहुत खूब बहुत खूब मतलब आप अगर संगीत में आप अगर करियर बनाती तो भी वही सफलता के शिखर हाँ, आप मैंने उस समय भी नेशनल लेवल के काफी अवार्ड्स जीते थे तो संगीत को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और उसके बाद मैं मुझे लगा कि पहाड़ के साथ संगीत का जो हुआ है, है। बहुत है। ही तालमेल बहुत सुंदर ताल है और अभी तो हम जहाँ भी जाते हैं मैं बता रही थी हम लोग मिशन गंगे किया था हमने तो हमने हरिद्वार से राफ्टिंग शुरू किया था और पटना में खत्म किया था वो भी लगभग चालीस दिन का ही था प्रोग्राम और उसमें हमने गंगा की सफाई की थी गहन सफाई तो उसमें फिर गवर्नमेंट भी जुड़ गया था न मामी गंगे को जोड़ दिया था और सब लोगों ने मिलकर इतनी सफाई की मतलब राफ्टिंग करते करते हम लोगों ने बीच में जितने भी दस शहर आए थे उनकी हमने सफाई की और गंगा में से कचरा निकाल के डिस्पोज ऑफ किया मतलब पचपन

तो हम लोग जब अभी पाँच महीने का एक हमने अभियान किया था वो वर्ल्ड का एक तरह से पहला अभियान है ट्रांस हिमालयन फिट टेक फिफ्टी ट्रांस हिमालयन महिला अभियान उसमें सब पचास साल से ऊपर की महिलाएं थी फिफ्टी प्लस जी और उसको हमने पांच महीने तक किया और हमने बर्मा बॉर्डर से शुरू किया था फिर हमने आसाम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम होते हुए हम फिफ्टी सिक्स डेज तक हमने नेपाल में जितनी एवरेस्ट इसकी रेंज है हिमालय की उसको क्रॉस करते हुए हमने वापस हिमाचल में प्रवेश किया फिर सेवन कंट्रीज सॉरी सेवन कंट्रीज ने मतलब बर्मा बॉर्डर से शुरू किया शुरू किया और फिर अरुणाचल आसाम सब होते हुए हम लोग सिक्किम तक जाके 56 डेज तक हमने नेपाल में और नेपाल के बाद में फिर वापस हिमाचल में घुसे फिर हमने गढ़वाल हिमालय किया फिर हमने लाहौल स्पीति करते हुए द्रास में विजय दिवस पर हमने जी इसका जी। समापन किया था तो ये अभियान था ये पहला अभियान है महिलाओं के द्वारा किया गया इसमें इंडिया में, में पहला अभियान है ये ये वर्ल्ड का पहला अभियान एक तरह से बहुत आ, क्योंकि पचास से ऊपर की महिलाएं थी इसमें सारी और हम लोगों ने इसमें बहुत टफ था पांच महीने तक हम लोगों ने अपना काफी होमवर्क करना पड़ा होगा देखिए पांच महीने की यात्रा और अलग अलग जगह और इतने सारे लोग और आपके जो व्हीकल है वो आपके परफेक्ट होने चाहिए आपके बताना चाहती हूँ इसमें व्हीकल खाली सपोर्ट व्हीकल होता था हमारा जिसमें हमारा सामान जाता था लेकिन हम लोगों ने लगभग थर्टी नाइन क्रॉस किए थे जो एक जी एक दबे को क्रॉस करने के लिए भी हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है हमने 39 नाइन पासिस क्रॉस किए और एक लमखा का पास तो जो बहुत कठिन पास माना जाता है उसके लिए हमें हमारे जो पुराने माउंटेनियर्स हैं उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि इसको आप ना करें क्योंकि पिछले तीन चार साल से उसको किसी ने नहीं किया था जितने भी लोग गए थे सब लापता हो गए थे उसमें लेकिन बचंदी दीदी ने बोला कि नहीं हमने अपने इस प्लान में डाला है इसलिए करेंगे और हमने किया अनफॉर्चुनेटली एक हमारी जो मेम्बर थी महाराष्ट्र की तो वो गिर गई थी और उसको मल्टीपल फ्रैक्चर भी हुए थे पैलू वन का भी उसका फ्रैक्चर हुआ था तो लेकिन हमने अभियान बीच में नहीं छोड़ा कि That साहस हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें बाधाओं को पार करना है उसको चालीस आर्मी के जवानों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया गया और वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता था और उस जब अभियान को हमने किया तब हमें बहुत सी समस्याएं मुझे खुद को लीचेज ने काटा एक दिन में तेरे तेरे लीचे ने काटा मतलब ये सबसे कठिन था आपका बहुत ये बहुत मेरे लाइफ का ये सबसे कठिन अभियान था जी जी। और पांच महीने तक कंटिन्यूस पांच हजार किलोमीटर की हम यात्रा ऐसे रोंग पे खड़े हो तो रहे हैं ऐसी कठिन यात्रा पर निकलना और उसको फेस करना आर्मी के जहाँ ट्रांजिट कैंप होते थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था लेकिन बचन दीदी का कहना था कि हम किसी का सपोर्ट लेने के लिए नहीं हम फिट इंडिया का संदेश देने निकले तुम जितना खुद खुद कर सकते हैं उतना करेंगे तो हम अपने टेंट्स भी खुद लगाते थे सुबह ऊपर स्नो आई भी होती थी।, थी उसको स्नो को हटाना टेंट को वापस पैक करना वहाँ पहुँच के खाना बनाना और मतलब इतनी चिल्ड हवाएं होती थी वहाँ पे हम जब नदियाँ पार करते थे तो एक दो बार तो हम बहते बहते भी बचे थे तो उन नदियों में पूरे आइसबर्ग बह के आ रहे हैं उस नदी को पार करना मतलब तो एकदम जैसे बर्न हो जाता है शरीर ऐसे बर्न हो जाता था हमारे लेकिन फिर भी दस महिलाएं अलग अलग स्टेट की होते हुए भी और हम लोगों ने पांच मिनट तक एक साथ बिताया तो इस कहा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आपको बिल्कुल और ये फिफ्टी प्लस की आप बात कर रहे हैं ये तो मतलब आपको सलाम करने का मन कर रहा है इस वक्त कि फिफ्टी प्लस महिलाओं ने ये अचीव नहीं। किया है आज के युवाओं को अगर हम कहें तो शायद युवा भी ये टारगेट अचीव करने में एक बार के लिए सोचेंगे कि थोड़ा मुश्किल होगा अब मैं आपसे 50 प्लस की जब आपने बात कही आज आप 58 की हैं और चेहरे पर ये जो चमक है इसका <laughs> क्या राज है क्योंकि युवाओं को भी आपकी जो खूबसूरती है वो आकर्षित करेगी कि किस तरह से आप मेंटेन करती हैं इसके आपको? लिए हम लोग एरोबिक योगा रनिंग ये सब करते हैं और जिस समय हमारा एक्सप्रेशन होता है तो हम उस पूरी तरह से डाइट का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि ऊपर जाके आप खाना नहीं खा सकते पहाड़ों पर जब हाइट पर चले जाते हैं तो खाना नहीं खा सकते तो आपका जो फैट जमा हुआ है वही काम आता है और मैं क्योंकि नॉन वेज नहीं लेती वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ऊपर जाने के बाद में आपको भूख नहीं लगती है और अगर नॉन वेज खाने वालों के लिए तो प्रोटीन वगैरह सब होता है लेकिन मुझे कई बार कहते हैं कि आप तो वेजिटेरियन हो आप कैसे करोगे हमने तो जब, प्रोटीन जी, मिलना ही बड़ा जी, है। जी हमने अफ्रीका का केलमिंजारो क्लाइम किया था जो इंडो अफ्रीकन एक्सपीडिशन था जब हमने वो क्लाइम किया था तो उस समय मेरे लिए बहुत कठिनाई आई थी क्योंकि वहाँ बिना एग और के कुछ खाना होता ही नहीं था तो वहाँ मुझे कई बार फोर्स भी किया कि क्यों नहीं खाती हो पर मैंने कहा कि हम ये भी साबित कर सकते हैं कि वेज होके भी हम हमारे में उतनी स्ट्रांगनेस है बिल्कुल, बिल्कुल हमारे बिल्कुल, में ताकत है हम कर सकते हैं तो उस समय अफ्रीका की लेडी नहीं चढ़ी थी और हम भारत की छः महिलाओं ने चढ़ा था और कार्यक्रम पास जब हमने किया था तो चालीस दिन में हम इतने फिट हो गए थे कि वहाँ एक लेह में स्टॉक कांगड़ी करके एक पी गया उसको हमने ढाई दिन में क्लाइम किया था तो वो भी एक अचीवमेंट था तो मतलब मतलब कहने का मतलब है अपने आप को फिट रखना पहली प्रायोरिटी है तभी आप कोई भी सपना तो उसे साकार कर देखिए फिट तो रहना ही है प्लस आपको मानसिक रूप से भी फिट रहना है जरूरी है, है। क्योंकि मानसिक अगर आप फिट नहीं है तो शारीरिक फिट होने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कब क्या मुसीबत आती है इसलिए हम ये भी कहते हैं कि एडवेंचर बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए क्योंकि जब भी डिजास्टर होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है लड़कियों को या महिलाओं महिला को बच्चों को या महिलाओं को तो अगर शुरू से ही अगर उनको उस मेंटली तरह से मेंटली रहेंगे, तो वो फेस सकते। तो वो फेस कर कर सकते सकते हैं हैं अपने आप भी यहाँ पर मैं एक बहुत ही थोड़ा सा कठिन सवाल होगा ये पेन भी होगा इसमें वो ये कि आपके हस्बैंड मगन बिस्सा जी वो भी माउंटेनियर थे और हमने सुना है कि वो जिस तरह से वो एक्टिविटीज करते थे एडवेंचर एक्टिविटीज उसी दौरान हादसा हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे तो नहीं। वो क्या हादसा था और आप भी उनके साथ थी उस वक्त देखिए हादसे उनके साथ जिंदगी में आ, मैंने देखा कई बार उनके साथ जुड़े हुए थे एक जी, बार जी। हम लोग पैराप्लेन कर रहे थे तब भी क्रैश हो गया था अब मैं वहीं थी तो मैंने तो बार बार उनको मौत से लड़ते हुए देखा उनकी भी जिंदगी में एक बार रोड एक्सीडेंट हुआ उसमें उनके अट्ठारह हड्डियाँ टूटी थी लंग पंचर हो गया था स्कल फ्रैक्चर हो गया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी वो बार बार खड़े होते और फिर नई बोनस जिंदगी के साथ का राज वही थी बिल्कुल और सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था और 2009 में जब हम एवरेस्ट चढ़ने के लिए गए थे तो ये था कि अगर हम चढ़ जाते तो फर्स्ट कपल ऑफ इंडिया हो जाता लेकिन समिट से थोड़ा पहले एक बार वापस बेस कैंप आते हैं और तब उस समय वो अविलाज की चपेट में आ गए थे तो हमारे आगे जो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के वो दो लोग तीन लोग घायल हुए थे एक तो लापता ही हो गया था और उसी दौरान उनको भी वो इंटस्टाइन का गैंग्रीन हो गया था तो मुझे उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके वापस लेके आना पड़ा तो उसके बाद में उनका एक साल तक आ, पुरा पुरा इलाज चला था, था। हाँ। पहले काठमांडू में उनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद में दिल्ली में एक साल तक लगभग साढ़े सात आठ महीने तक तो कंटिन्यूस हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो ज़िंदगी की आशा हमने छोड़ दी थी सभी लोगों ने मैंने नहीं छोड़ी थी सभी okay. लोगों ने छोड़ दी थी इवन डॉक्टर्स ने बोल दिया था आप घर ले जाइए लेकिन उनका विल पावर प्लस मेरा विल पावर हम लोगों ने स्ट्रांगली उस को फ़ेस किया और वो बच के आए और उसके बाद में वो इतने फिट हुए कि उसके बाद में उन्होंने दस साल तक देखिए मैं उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप केवल एसी रूम में रह सकते हैं आप केवल फ्लाइट से कहीं जा सकते हैं लेकिन उन्होंने उनको गलत साबित करते हुए ये सब किया लेकिन हाँ पहाड़ों पे हाइट पे तो नहीं, नहीं जा सकते थे तो फिर उन्होंने सेवन ईयर्स तक कंटिन्यूस नेशनल यूथ फेस्टिवल मैन और उन्होंने मिलकर साथ में किए जिसमें एक दिन में हजारों लोगों ने एक साथ एडवेंचर एक्टिविटीज की तो वो एक्सीडेंट देखा और उसके बाद में जो जो बहुत जिंदगी लेने वाला जो था बिल्कुल, बिल्कुल तो उसमें हम करवाने के थे वो ऐसा कोई ऐसा इवेंट नहीं था कि जिसमें उनकी जान चली जाती लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोप टूट गया और वो नहीं बच पाए तब तो मुझे एक बार जिंदगी में लगा कि अब मैं एडवेंचर नहीं करूंगी क्योंकि मैं जब आंखें बंद करती थी तो मेरा आंखों के सामने वो सीन आता था अब मैं अपने आप को लगा मुझे कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ तब मैंने वापस सोचा कि नहीं जिस मशाल को उन्होंने जलाया उसको वापस तो फिर से पहाड़ों ने संभाला और उसके जी, बाद में मैंने ये दो तीन जो एक्सप्रेशन है जो टफ ये जो पांच महीने वाला उसके बाद में क्या क्योंकि वो एक बार बहुत पहले जब ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन था तो मुझे ऑफर मिला था तब मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था मेरा बड़ा बेटा उस समय छोटा था तो मैंने कहा मैं उसका बचपन नहीं छीनना चाहती क्योंकि वो एक साल का था एक्सपिडिशन तो मगन जी कई बार कहते थे कि तुमने बहुत अच्छा एक तुमने अपॉर्चुनिटी खो दी लेकिन जब ये वापस आया एक्सपिडिशन का मुझे ऑफर मिला तो फिर मैंने सोचा उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मैंने डेढ़ साल तक कंटिन्यूस इसके लिए प्रैक्टिस की और अभी आप कंटिन्यू कर रही हैं हाँ मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि दरिया हो पहाड़ हो टकराना चाहिए और जब तक है सांस जब तक सांस टूट न जाए जिए जाना चाहिए तो मुझे लगता है यही मकसद है आपका कि जब तक सांस है पहाड़ों से प्यार और पहाड़ों से जो रिश्ता है वो लगातार बना रहेगा मैं एक बात यहाँ जानना चाहूंगी कि बहुत सारे यूथ कैंपेन आप चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आप जुड़ी हुई हैं साथ ही आप लड़कियों को भी एडवेंचरस एक्टिविटीज सिखा रहे हैं ये सब कैसे हो पा रहा है आप एक माउंटेनियर है और साथ ही सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई हैं खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली में जानना चाहूंगी देखिए मेरा ये मानना है कि खाली हम किताबों में अगर कहें और खाली हम संवाद करते रहें तो उसके बजाय अगर हम प्रैक्टिकली अगर करते हैं तो लोगों को इससे कुछ आ, सीखने को मिलता है तो मैंने बीकानेर से रोहतक तक क्योंकि रोहतक में प्रतिशत महिला गर्ल्स का कम है तो मैंने शुरुआत वहीं से की और मैंने एक दिन में 420 किलोमीटर ए बाइक चलाकर और यह संदेश दिया था कि बेटी को वास्तव में बचाना और मैं भी बाइक चलाती है जी मैंने बाइक रैली कई की है एक बार जब 2001 में जब बीकानेर में एक आर्मी डिपो में आग लगी थी तो मिसाइलें गिर रही थी और बहुत दहशत व्याप्त थी तब मैंने मैंने बीकानेर की सात लेडीज़ को लेके और तन्नौट तक उनका आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने यात्रा की थी बाइक रैली की थी तो उनका गोल्डन जुबली था तब तो मुझे कहा गया कि आप बीकानेर से ऐसी रैली लेके आइए तो मैंने बीकानेर से दिल्ली तक बाइक रैली की थी और उसके अलावा फिर एडवेंचर तो क्या बहुत विस्तृत है तो पैरा हो माइक्रोलाइट हो चाहे कयाकिंग हो एकनोइंग रैफ्टिंग जो जो मुझे भी मिलता गया स्कीइंग ये सारे कोर्स मैं करती गई और अब मैं सोचती जो मैंने किया है वो उन लोगों को कराया जाए जिनको नहीं मिलता है क्योंकि क्यूंकि एक, एक बात मैं यहाँ डॉक्टर सुषमा जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज अगर बहुत सारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं वो भी नहीं जानते हैं कि अगर हमें माउंटेनियर बनना है तो वो पहली सीढ़ी क्या है हमें कहाँ जाना है किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है तो इसकी जागरूकता की थोड़ी कमी है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी की यूथ आपको सुन रहा है देख रहा है आज तो वो कहा संपर्क करे और कैसे इस तरह की जो एडवेंचरस एक्टिविटी है वो कैसे लाइफ का हिस्सा बनाए वैसे तो देखिये इसमें छोटे छोटे एडवेंचर्स तो जैसे हम लोग करवाते हैं राजस्थान में टूरिज्म फेस्टिवल होते हैं उसमें हॉटर बलूनिंग पैरासेलिंग और रेपलिंग और जिपलाइन और ये सब हम लोग मतलब विंटर्स में ये तीन चार महीने चलते हैं तो वो सबके लिए फ्री होता है और हर शहर में ये राजस्थान ऑर्गेनाइज़ करता है हम लोगों की टीम तो ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम करवाती है इसी तरह से नेशनल यूथ फेस्टिवल्स होते हैं तो उसका भी पेपर्स में आता है तो उसमें लोग करवाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें होता है क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत महंगी एक्टिविटीज़ है ये पैशन जो है बहुत महंगा है तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत इसके लिए प्रयास करी तो वो करते हैं इसके अलावा अगर सीरियसली अगर क्लाइंबिंग करना चाहें तो हमारे इंडिया में काफ़ी चार इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है ये उत्तरकाश में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है ये मनाली में है इसी तरह से दार्जिलिंग में इस तरह अरुणाचल में भी एक खुल गया है तो इनमें लेकिन थोड़ा टफ होता है कोर्स और आर्मी के अंडर में होता है और उसमें अट्ठाइस दिन का कोर्स होता है तो ये अगर सीरियस जिसको क्लाइंब करना होता है तो वो उसमें जाके कोर्स करते हैं और उसमें पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है तो उस तरह से कर सकते हैं तो मतलब आजकल के युवा जिस तरह से फिटनेस इश्यूज हो जाते हैं ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी गलत जो एक्टिविटीज है उसमें लिप्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी जीव। उनके जीवन क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है आजकल मोबाइल और जो डिजिटल वर्ल्ड है उसने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी है यूथ की तो कहीं ना कहीं एडवेंचर सर एक्टिविटी से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो फिट भी रहेंगे और इंडिया फिट रहेगा जैसा कि आपने उसको अभियान को भी चलाया मैं जानना चाहूंगी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि महिलाएं छोटी छोटी चुनौतियां आती हैं उनमें भी कई बार वो okay. सामना नहीं कर पाती या फिर चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो अपने सपने को ही पीछे छोड़ देती है अपना पैशन जो है वो भूल जाती हैं तो आज आप फिफ्टी में न सिर्फ आप महिलाओं को इंस्पायर कर रही हैं देश के युवाओं को भी आप इंस्पायर कर रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए खासकर देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं इसमें माँ का रोल बहुत बड़ा होता है जैसे नेपोलियन बोनापट ने भी कहा था गिव मी अ गुड मदर आई विल गिव यू गुड नेशन तो अगर महिला उसको बच्चे को अगर हम शुरू से स्ट्रांग बना दें तो वो एक अच्छी माँ बनेगी और वो अच्छी माँ बनेगी तो उससे आगे से आगे से एक पीढ़ी पीढ़ी दर स्ट्रांग बच्चे होंगे तो ये एक फर्क पड़ता है दूसरा मैं बताती हूँ महिलाओं की आदत होती है कि अरे हमें तो मौका ही नहीं मिला जैसे आप मुझे देख लीजिए कि मुझे लाइन चेंज करनी पड़ी तो मौके तो बहुत जिंदगी में पल पल में मौके आते हैं हमें उस मौके को तलाशना पड़ेगा और ये अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर सकते हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन एक गरिमा में तरीके से करें मैं हमेशा जब मेरे मोटिवेशनल जब लेक्चर होते हैं तो मैं उसमें भी लड़कियों को बोलती हूँ कि ठीक है हम कहते हैं कि हम आज पुरुषों के बराबर हैं लेकिन हम हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम शक्ति हमारे में पुरुषों से सोचने की शक्ति ज़्यादा है हमारे में विल पावर ज़्यादा है हमें सहन शक्ति के साथ हम परिवार को मैनेज करते हैं लेकिन हमें अब गरिमापूर्ण तरीके से अगर करेंगे तो आगे हम दूसरे लोगों का रास्ता खोलेंगे और एक अच्छा समाज हम दे पाएंगे तो महिलाओं के लिए तो मेरा बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है और मैं इसलिए लड़कियों के लिए बहुत करती हूँ मैं नारी निकेतन की चेयरपर्सन रही तब भी मैं कोशिश करती थी कि उन महिलाओं को भी मैं आगे लेके आऊँ और उनको स्ट्रांग बनाऊँ जो सालों से महिला उसमें आश्रम में रह रही थी तो मेरा तो और इसके अलावा हम डेफ एंड बच्चों के लिए भी बहुत करते हैं स्पेशल बच्चों के लिए भी करते हैं कि जिनके लिए समाज कुछ कम करता है उसके लिए अगर हम करते मतलब हैं जब आप न सिर्फ पहाड़ों से प्यार करती हैं अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज में बिजी हैं आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई हैं आपकी संघर्ष से शिखर तक की यात्रा बहुत ही कमाल की है बहुत इंस्पायरिंग है न सिर्फ हम हम जैसे युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए हर एक व्यक्ति के लिए आप प्रेरणा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय निकाला आपसे बातचीत करके हमें बहुत मजा आया तो आज हम मिले सुषमा बेसा जी से जो कि जानी मानी पर्वतारोही हैं और सबसे अहम जितने सारे संघर्ष इनके जीवन में आए उन्होंने किसी संघर्ष से हार नहीं मानी लगातार सफर पर चल रही हैं अभी भी इस उम्र में भी वो लगातार चल रही हैं तो हमें सीखने की बात है कि जीवन में चुनौतियां तो हर बार आएंगी हर पल आएंगी बस हमारे हौसले जो हैं वो कितने मजबूत हैं ये हमें तय करते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं तो आज का ये कार्यक्रम बस इतना ही फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए धन्यवाद